हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द लोकल इंडियन में। तो अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे लिए, यहाँ पर कोवैक्सीन के लिए। तो यहाँ पर जो भारत बायोटेक यानी या फिर BIBCL आपका जो भारत इम्यूनो स्टॉक है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो है उनकी वैक्सीन जो है थी कोवैक्सीन, उसको भी जो है मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल ने जो है उसको भी सजेस्ट कराया है कि इसको भी हम जो है रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर दो वैक्सीन जो थी लाइन में थी, ऑक्सफर्ड की ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, और यहाँ पर जो दूसरी थी वो हमारे इंडियन इंडियन कंपनी की, वो थी कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक या फिर भारत इम्यूनो जो है बना रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों को ही जो है यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है इमरजेंसी यूज़ के लिए, और यहाँ पर दोनों में से कोई भी वैक्सीन जो है यूज़ हो पाएगी। पर यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा फ़ायदा निकल के आएगा यहाँ पर भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये एक इंडियन वैक्सीन है और इंडियन कंपनी की तरफ से आ रही है, तो हमारा जो मेड इन इंडिया का जो सपना था वो भी एक पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से जो है गवर्नमेंट ज़्यादा झुकाव देगी भारत बायोटेक की तरफ से आने वाली वैक्सीन पर, क्योंकि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन जो आ रही है उसकी कीमत करीबन बताई जा रही है 100 से 200 रुपये, और वही जो एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड की वैक्सीन की कीमत बताई जा रही है वो है 1,000 रुपये। तो यहाँ पर जो है उसकी वैक्सीन की कीमत जो है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर हमें जो देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हुए। तो यहाँ पर अगर आपके पास BIBCL का स्टॉक है तो आप जो है बल्ले बल्ले कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है स्टॉक है अभी और अपर सर्किट्स दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पर दोनों वैक्सीन्स को मंजूरी मिल चुकी है और दोनों को ही जो है एक्सपर्ट्स ने एक्सपर्ट कमेटी थी, तो यहाँ पर जो लिखा गया है इन वॉट कम एज अ सिग्निफिकेंट रिलीफ फॉर इंडिया द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ऑन सैटरडे गिव नॉट टू ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि ऑक्सफर्ड की कोविशील्ड थी उसको भी दी थी रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल, और यहाँ पर भारत बायोटेक की वैक्सीन को भी अब जो है कोवैक्सीन जो कि है उसको भी रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिल चुका है। तो द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया विल गिव फाइनल अप्रूवल टू बोथ द वैक्सीन कैंडिडेट। तो ड्रग DCGI जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो है दोनों को जो है फाइनल अप्रूवल देगा, और वो सब बस आप मान ही लीजिए कि दोनों का ही जो है पक्का है यूज़ होना। और यहाँ पर जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर भारत बायोटेक के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया का एक कंपनी है जिसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है इंडिया में यूज़ होने के लिए। तो ये तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहे हैं तो वैक्सीन भी भारत की होनी चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स के बारे में जानकारी लेते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर नीचे जो आपको रेड बटन दिखेगा उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो है मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।